तो गाइज आपने बिफोर एंड आफ्टर तो देख लिया होगा, अब बहुत सारे वीडियो भी देखोगे आईएएस को कन्वर्ट करने के लिए। तो गाइज मैं आपको सिंपली से एकदम सिंपली ट्रिक में बताऊंगा कैसे आप अपने नॉर्मल एंड्रॉइड को आईएएस की तरह पूरा कन्वर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम को, और किसी को देखने वाले लगे आप रियली एकदम आईफोन को यूज़ कर रहे हो। तो गाइज इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में जाना है और मेरे लिंक के ऊपर टैप करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आपके सामने लिंक कुछ इस प्रकार से ऑन हो जाएगा। इस टाइप से आपके सामने लिंक ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको एक फाइल देख रहे हो इंस्टा मोड करके, तो इस फाइल को भी सिंपली से आप टैप करोगे और ये स्टार्ट हो जाएगी आपका डाउनलोड होना। ये डाउनलोड होना, तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो आप इसको फटाफट से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा, तो अब आप देख सकते हो स्टैंडर्ड करके जो मेरी फाइल है वो यहाँ पे है, तो मैं इसको भी एक्सेस करता हूँ। तो आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जेड एसर, जिसको आप प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर सकते हो फाइल को अनजिप करने के लिए। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो इस टाइप करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार सा इंटरफेयर आएगा। तो भाई अब मैं क्या करूँगा, आपके सामने स्टैंडर्ड बाय मैट्रिक दिख रहा है, तो उसके ऊपर टैप करूँगा और उसको एक्सेस इंस्टॉल तो ईयर करूँगा। तो यहाँ पे गाइस एक पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड गाइस आपको दे देना है, पासवर्ड बीच वीडियो में दिया है, ध्यान से वीडियो वॉच कीजिएगा, पासवर्ड मैं बीच में दे दूँगा आपको। तो गाइस मैंने पासवर्ड लगा दिया, अब मैं फाइल को करूँगा एक्सेप्ट। देखो मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो कुछ फाइल इस पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। तो सिंपली सबसे पहले अपने को क्या करना है गाइस, सिंपली से बैक आ जाना है और जो अपना ओल्ड इंस्टाग्राम है उसको डिलीट। तो गाइस हमारा जो इंस्टा मोड उसको मैंने इंस्टॉल पे लगा दिया, तो गाइस वो इंस्टॉल हो रहा है। तो सिंपली से गाइस वो इंस्टॉल दो मिनट में आपके सामने हो जाएगा, तो वेट करते हैं इंस्टॉल होने का इसका। अब गाइस हमारा इंस्टॉल हो गया, सिंपली इसको हम इंस्टॉल करके ऑन कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार हमारा ये ऑन हो रहा है। तो हमको आप एक इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करना है, तो मैं सबसे पहले इंस्टा आईडी लॉगिन कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी को यहाँ से लॉगिन कर दिया है, तो वो सिंपली से लॉगिन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो हमारा इंस्टाग्राम लॉगिन हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, सबसे पहले आप उसको क्लोज कर दोगे और आपका जो इंटरफेयर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो सिंपली लॉगिन होने के बाद इसको क्या होगा, एक बार रिफ्रेश मार के आप यहाँ से कट कर दोगे, फिर दोबारा से इसको ओपन करोगे रिफ्रेश करने के लिए। रिफ्रेश करते ऑन कर देना दोबारा से इसको, फिर दोबारा से ऑन हो जाएगा, तो हमारे सामने कुछ और भी इंटरफेयर में ऑप्शन आएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सिंपली से रील्स को लिया है, तो उसके ऊपर ना कोई कटआउट दिख रहा है ना कुछ भी दिख रहा है, सिंपल से रील्स दिख रही है। अभी मैं गाइस आपको तो कुछ सेटिंग इसके अंदर ऑन करूँगा, जिसके बाद इसकी जो पूरी सेटिंग है एकदम हो जाएगी और सारे डेवलप हो जाएंगे सिस्टम। अब आप देख सकते हो रील्स इसी प्रकार से दिख रही है, आप नो कटआउट एकदम नॉर्मल से दिख रही है। तो गाइस सिंपली से पहले आप बैक आ जाओगे इसको छोड़कर, बैक आने के बाद क्या करो, इसके ऊपर टैप करोगे मेरी आईडी के ऊपर, यहाँ पे जाओगे मेंशन के ऊपर, यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिखेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर ऑन कर दोगे। आप सेटिंग के अंदर जाओगे सिंपली से, यहाँ सेटिंग के अंदर जाने के बाद सबसे पहले गाइस आप क्या करोगे, यहाँ आपको फाइंड एंड स्टोरी ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके अंदर जाओगे, यानी साइड सेकंड वाले ऑप्शन को आप कर दोगे यहाँ से ऑफ, ठीक है, ऑफ कर दोगे। एसलेट मेन्यू कमेंट को कर दोगे यहाँ से ऑन। अब क्या सिंपली से बैक आओगे, बैक आने के बाद क्या जब क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वालिटी इंप्रूव, तो यहाँ जाओगे सारे जो ऑप्शन है सबको ऑन कर दोगे यहाँ से, आप सारे ऑन कर दोगे। यहाँ पे बैक आने के बाद अब गए जाओगे आप डेवलपमेंट मोड सेटिंग के अंदर, तो इसको गई ऑन कर दोगे यहाँ से डेवलपमेंट मोड को। अब गए जिस ऑप्शन ऑफ करोगे, अपडेट को भी टैप करोगे, और यहाँ पे खाली आपको पाँच से छः सेकंड यहाँ पे गाइज आपको वेट करना है, थोड़ा सा गाइज 5 से 6 सेकंड आपको वेट करना है। तो गाइज हमारे कम से कम 5 से 6 सेकंड हो गया, तो गाइज इसको सिंपली से यहाँ से कट कर देंगे। कट करने के बाद वापस से गाइज इसको ऑन कर देंगे, इसको रिप्लेस करना गाइज बहुत ही ज़रूरी है आपको। तो गाइज अब हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर हो गया, 7 न्यू वर्जन हो गया है। तो गाइज अभी आपको क्या करना चाहिए, होम वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है सर्च के बाजू में, तो इसके ऊपर आप टैप कर करोगे थोड़ा टाइम, तो ये कुछ लोडिंग लेगा आपके सामने, नया इंटरफेयर आपके सामने आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से आपके सामने आएगा। तो गाइस अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे में, ये देखो मोडी क्यूब एक्सपेरिमेंट सेटिंग, तो इसके ऊपर टैप करोगे सेटिंग के अंदर आ जाओगे। तो गाइस अभी आपको मेन सेटिंग इसके अंदर ही करनी है, जिससे आपके सारे सेटिंग सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे इमोजी करके सर्च करना है, इमोजी सर्च करोगे तो गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेयर आएंगे। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा एक मेगा रोटेट करके ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे गाइस ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो इसको गाइस क्या करना है आपको ऑफ कर देना है। तो इसको गाइस सिंपली से क्या करोगे, जब ये आप ऑफ कर दोगे, तो ऑफ करने के बाद इसके ऊपर और एक ऑप्शन दिख रहा है, तो गाइस यहाँ पे जो 5 लिखा है उसको हटा के यहाँ पे गाइस आपको 0 कर देना है। तो गाइस पी के ऊपर टैप रखोगे 0 हो जाएगा और ओके कर दोगे, तो सिंपली से ये हमारा डन हो गया यहाँ से एक स्टेप, ठीक है। अब गाइस क्या करोगे, वापस से गाइस इसको कट आउट कर दोगे यहाँ से, रिचार्ज नहीं है, रिफ्रेस करने के बाद फिर से आप इसको रीओपन करोगे। रीओपन करने के बाद गाइस वापस इसके ऊपर आप टैप करोगे 2 मिनट के लिए, और एक वापस से एक इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो गाइस आप वापस से क्यू टू मॉडिफाई एक्सपेरिमेंट को भी कैप क्लिक करके आप सामने वापस ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अभी आपको यहाँ पे एक और सेटिंग करनी, जैसे कि गाइस आपका जो स्क्रॉल डॉल वाला है गाइस
वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जैसे आईफोन की तरह आपकी एकदम रील्स लगेगी। तो गाइस अब आपको एकदम नाम लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ एकदम ऐसे ही लिखना है, क्लिप्स क्लिप्स लिखना है, वीडियो क्लिप्स वीडियो स्टिकर लिखना है आपको यहाँ पे, और सर्च कर देना है क्लिप्स वीडियो स्टिकर। जैसा मैंने नाम लिखा सेम टू सेम आप ऐसा लिख के इंटरफेयर करोगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन आएंगे। तो गाइस सब ऑप्शन को यहाँ से आपको इनेबल कर देना है, सारे के सारे ऑप्शन को यहाँ से आप इनेबल कर दोगे, ठीक है। इनेबल करने के सिंपली से आप क्या करोगे, सबसे बैक आ जाओगे। तो अब हम ट्राई करते हैं कि हमारी कुछ रील इस प्रकार से दिख रही है या नहीं दिख रही, तो हम इस स्टोरी पे टैप करेंगे और स्टोरी हमारी स्क्रॉल हो रही है। तो गाइस एक मिनट से वेट लेगी और गाइस देख सकते हो कमाल, हमारे सामने गाइस कुछ इस प्रकार से हमारी स्टोरी रेडी हो चुकी है। गाइस देख सकते हो आप एकदम आईफोन की तरह लग रही है। अब गाइस के नीचे लोगो आ रहा है, तो गाइस क्या करोगे आप इसके ऊपर टैप करोगे। और गाइस मैंने आपको यहाँ पे एक सारा ऑप्शन दिया, बहुत सारी फंड वगैरह पीएनजी दी, इसको आप यूज़ करके और इसको कमाल कर सकते हो। तो गाइस देख सकते हो इस टाइप से बहुत सारी अभी अमेजिंग हो गई है। तो आपके सामने इसी टाइप का स्क्रॉल डाल करना था, तो गाइस देख सकते हो आईफोन की तरह एकदम स्क्रॉल डाल हो गई है हमारी रील्स। तो गाइस आज की वीडियो में इतना, और भी अगर आईफोन के बारे में इमोजी वगैरह फंड वगैरह चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट ज़्यादा आएगी उस टॉपिक की मैं वीडियो लेकर आऊँगा, वो भी क्लियरली।